नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, रोज की तरह आज मैं फिर हाजिर हूँ लेके आपका अपना फेवरेट शो डेली डोज, जिसका आज हम लोग पार्ट 23 शूट कर रहे हैं। और मैं लेके आया हूँ आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपको SSC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंक एग्जाम हो। और एक बात, जो भी बच्चे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर देने गए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से कि उनका एग्जाम अच्छा जाए। अगर उन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा तो उन लोगों ने जरूर हमारे वीडियोस को फॉलो किया होगा और डेली डोज देखा होगा अगर हमारा ये फेवरेट शो, तो जरूर उसमें इस क्वेश्चन फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोग से दरख्वास्त करने वाला हूँ, जो भी हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब इसलिए भी कर सकते हैं ताकि आप लोग को केवल जो करंट अफेयर्स चाहिए होते, डेली करंट अफेयर्स, अगर आपको PDF भी चाहिए होती तो वो PDF भी ले सकते हैं। प्लस आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन, चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे वो कोई प्रेस रिलीज हो, हम सभी सबसे पहले लेके आते हैं आपके लिए। कोई कट ऑफ एनालिसिस है वो वीडियोज़ को लाइक करना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं वीडियो में, आगे देखते हैं कट ऑफ के बारे में, जो आपका डेली करंट अफेयर उसके बारे में जो बात करेंगे। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर्स के वीडियो में, देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे देखना है। तो जो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट पीरामल एंटरप्राइज है, उसका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था? कब लगाया था ये? 2015 में बैन लगाया था। किसके ऊपर लगाया था? पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड के कौन से प्रोडक्ट में बैन लगाया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब हटा लिया है बैन? तो क्या वो पैरासीटामोल थी, क्या वो डिकोल टोटल थी, क्या वो सेरेडॉन थी, या क्या वो फास्ट रिलीफ थी? तो जो आपका बैन हटाया है पीरामल एंटरप्राइज ग्रुप के ऊपर से, वो था आपका सेरेडॉन के ऊपर। इसमें पाया गया था कि ये सर दर्द के लिए नहीं, कुछ नशीली दवाई इसमें मिली हुई है जिससे आपका सर में दर्द चला जाता है। तो ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने था अभी हटा लिया है बैन, उस पर रिसर्च हुई काफ़ी, उसके बाद निकला कि इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है, तो अब आपकी क्या है, इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फेमस लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड इज हेल्ड, जो आपका फेमस लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट है जिसमें मैंने बताया था आपको नोवाक जोकोविच जिसको अवार्ड मिला है बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर का लॉरेस, ये कहाँ पर हुआ है? तो आपको बताना है ये कौन सिटी में हुआ, क्या वो ब्राज़ील में हुआ है, क्या वो मोनैको में हेल्ड हुआ है, क्या वो मोनैको में हेल्ड हुआ है, और क्या वो लंदन में हेल्ड हुआ है? तो मैं बता दूं आपको, जो फेमस लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है वो कहाँ पे हुआ है, वो आपका हुआ है मोनैको में। मोनैको क्या है कि फ्रांस की एक जगह है, या आप कह सकते हो यूरोपियन कंट्रीज़ की जगह है, वहीं पे ये क्या हुआ है आपका लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड हुआ है। तो इसमें थोड़ा और देख लेते हैं लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट में क्या क्या अवार्ड दिए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपकी लिस्ट मैंने लाई है पूरी कि लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट डे में कौन कौन होता है। तो आपका जो लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स की बात करें आपके, ये कब अवार्ड दिया गया था? 18 फरवरी 2019 में। मैंने आपकी वीडियो में, अपनी वीडियो में एक कंटेंट भी लिया था इसका कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो नन अदर देन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को मिला है। याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा सकता है कि आपका लॉरेल स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है नोवाक जोकोविच को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिला है साइमोने बाइल्स, USA की जिमनास्टिक है। कमबैक ऑफ द ईयर यानी कि किसने अच्छा कमबैक किया, तो वो आपके टाइगर वुड, USA के गोल्फ खेलते हैं ये। नेक्स्ट है आपका ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर किसने मिला है, नायोमी ओशाका मिला है, जिन्होंने अभी जापान की है ये टेनिस खिलाड़ी, जिन्होंने अभी PV सिंधु हरा के चैंपियनशिप भी जीती है। स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी किसको मिला है, हेनरी फारकोशुआ को मिला है, इसकी अंक की है। टीम ऑफ द ईयर किसको मिला है, फ्रांस की वर्ल्ड कप टीम को मिला है फुटबॉल की। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला है UI India NGO UI उसको मिला है, ठीक है। तो ये आपके कुछ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है इसलिए मैंने अपनी वीडियो में डाले हैं। नेक्स्ट कंट्री, विच कंट्री ऑफिशियल डिक्लेयर्ड द एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ रोडेंट द वर्ल्ड फर्स्ट मैमल्ड किल्ड ऑफ बाई क्लाइमेट। देखिए किसने बताया कि जो
क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उनके ग्रेट बैरियर रीफ रोडेंट है ये क्या इनकी संख्या घटती जा रही है और ये एक्सटिंक्शन लेवल पहुंच गए हैं जहाँ पे इनका बचना बहुत मुश्किल है। अगर क्लाइमेट ऐसी चेंज होता रहा तो ये क्या होगा, इनकी डेथ हो जाएगी। जो आप ये ग्रेट बैरियर रीफ रोडेंट है, तो ये कहाँ के हैं, क्या वो श्रीलंका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के हैं, बेल्जियम के हैं? तो जो आपके ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है इंटरेस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हैज बीन इंक्रीज फॉर फर्स्ट टाइम इन 2016 सिंस 2016 के बाद कितना बढ़ा के कर दिया। अभी मैं कुछ दिन में बताया गया था आपको, डियरेंस अलाउंस किया था 9.5% से बढ़ा के 12% कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब क्या किया है, जो आपका पीएफ का इंटरेस्ट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया है, 8.55 से बढ़ा कितना किया, 8.70 किया है कि 8.90 किया है, 8.65 किया है या 9.0 किया है? तो जो आपका पीएफ का परसेंटेज बढ़ा कितना कर दिया गया है गवर्नमेंट, अब उसको बढ़ाया कर दिया गया है 8.65% कर दिया गया है, यानी कि 0.10% बढ़ा दिया गया है। तो जो आपका जो नया रेट पीएफ का आ गया है वो 8.65% हो गया है। ये तो गवर्नमेंट की ये थोड़ा ठीक है, ये भी अच्छा कदम है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सिटी इंटरनेशनल विजन जीरो कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए बढ़ाने के लिए किसको कौन सिटी में करवाया जा रहा है, विजन जीरो कॉन्फ्रेंस का जो करा गया है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है या बेंगलोर में है? तो विजन जीरो कॉन्फ्रेंस जो आपकी हेल्ड हो रही है वो हो रही है मुंबई में, यानी करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रोल्ड आउट दिट्स फ्लैगशिप मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, जो आपकी योजना है उसको मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना इसको किसने हरी झंडी दे दी है? क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो मध्य प्रदेश है, क्या वो गुजरात है, क्या वो उड़ीसा है? देखिए अगर एग्जाम में आपसे कोई भी समिट पूछा जाता है कि कहाँ पर हो रहा है, तो वो अधिकतर जो हो रहा है वो न्यू दिल्ली में आपके समिट होते हैं, तो आप वहाँ पे न्यू दिल्ली पे ऑप्शन पे लगा सकते हैं। और कुछ कुछ समिट जो दिल्ली में नहीं होते आप उसको याद कर लीजिए, ये एक ट्रिक है। तो अब आपको बताना है कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना कहाँ पे है, ये है योजना आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। अब इस योजना में होगा क्या, तो जो आपके चीफ मिनिस्टर आपके मध्य प्रदेश के कमलनाथ, जो कमलनाथ जी हैं वो जो कांग्रेस के यहाँ अभी जल्दी बने हैं 1 महीने पहले दिसंबर में ही, उनने क्या है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना को दे दिया है, जिसमें आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर देगी गवर्नमेंट। कौन देगा, अर्बन यूथ फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अलावा क्या देंगे, वो लोग स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे। द पर्पज ऑफ स्कीम इज टू एम्पावर जो भी आपके जो बेरोजगार लोग हैं उनको एक पावरफुल बनाना पड़ेगा, ताकि वो लोग दृढ़ संकल्प हो पाए और कोई भी जॉब को आराम से कर सके। केवल उन यूथ के लिए जिनकी फैमिली की इनकम 2 लाख से कम है। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा, 2 लाख से कम है, और युवाओं की जो एज होनी चाहिए वो 21 से 30 साल होनी चाहिए, ठीक है, वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है विच ऑफ द फॉलो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू होस्ट द 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को 79th जो सेशन है वो कौन आपको होस्ट करने वाला है, या क्या वो प्रोटियस है, क्या वो लारिसा है, क्या वो आर्क है, क्या वो हिप्पो कैंप है? तो जो आपका 79th सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस होने वाला है वो होने वाला है हिप्पो कैंप, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 114th रोटरी डे सेलिब्रेशन विजयवाड़ा में जो हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट लेकिन आप फिर भी याद रखिए, जो इसका करेक्ट आंसर वो है सी, नोरी दत्ता रेदू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री प्रेजेंटेड एशियाज फर्स्ट सेम सेक्स मैरिज बिल, मतलब सेम सेक्स मतलब आप मैन मैन के साथ शादी कर सकता है, मतलब मैन टू मैन शादी हो सकती है, वुमेन टू वुमेन शादी हो सकती है, मतलब सेम सेक्स के लोग आपस में शादी कर सकते हैं। तो ये किस कंट्री ने बिल, जैसे हमारे यहाँ समलैंगिक कर सकते हैं, जो आपके ये गे होते हैं उन लोग को समलैंगिक विवाह कर सकते हैं, ये धारा भी कुछ दिन पहले पास हुई थी। तो अब क्या है, इसे पूछा गया है कि सेम सेक्स मतलब मेल मेल शादी कर सकते हैं, फीमेल फीमेल शादी कर सकते हैं, तो वो श्रीलंका है, ताइवान है, जापान है, ब्राज़ील है। तो जो आपका सेम सेक्स का बिल है वो किसने पास किया, वो किया पास ताइवान ने, आगे बी ऑप्शन इसका सही है, करेक्ट आंसर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड कप 2019 विल बी हेल्ड, तो कौन सी 2 कंट्रीज में होने वाला है आपका 2019 का वर्ल्ड कप, जो कि आपका जून मई और जून में होने वाला है, क्या वो इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है, इंग्लैंड और वेल्स में, क्या वो साउथ अफ्रीका श्रीलंका में होने वाला है, इंडिया बांग्लादेश में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है?
तो देखिए इंडिया बांग्लादेश में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था, 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में, 2011 का वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, 2015 का वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। बता दूं मैं आपको, ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा जीता था, ऑस्ट्रेलिया हराया था न्यूजीलैंड को, इंडिया ने किसको हराया था, श्रीलंका को हराया था। ठीक है, तो अब जो आपका नया वाला वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 वाला, वो होगा आपका इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है। तो ये आपके लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रोक द शाहिद अफरीदी रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सिक्सेस इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए शाहिद अफरीदी सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी थे जिसका रिकॉर्ड अब तोड़ दिया गया है। तो आपको देखिए सारे जो खिलाड़ी यहाँ पर लिखे हैं सारे क्या है, छक्के मारने में उस्ताद है खड़े खड़े। चाहे आप ए बी डिविलियर्स कह लें, इन्हें मैन ऑफ 360 डिग्री कहा जाता है, ये किसी भी दिशा में किसी भी एंगल छक्के मार सकते हैं। नेक्स्ट आप क्रिस गेल, काफी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं लेकिन इंटरनेशनल कैरियर से थोड़ा दूर रहने के कारण के छक्के रिकॉर्ड उतना ही सही नहीं है। नेक्स्ट आपका डेविड वार्नर, ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो कौन इन चारों में से कौन से खिलाड़ी जिसने शाहिद अफरीदी के मोस्ट सक्सेस का अवार्ड छोड़ दिया पीछे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्रिस गेल। सी आप लोग विराट कोहली कभी मत लगा, विराट कोहली छक्के मारने में उतने सही नहीं है जिस आप छक्के मारते हैं क्रिस गेल। तो जो रिकॉर्ड था शाहिद अफरीदी का वो तोड़ दिया किसने, क्रिस गेल ने। तो ये थे अभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद, कल हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई वीडियो।